राजीव जी, कांग्रेस में खास तौर से जो मीडिया डिपार्टमेंट में जो बदलाव हुआ है उसका असर दिखने लगा, ये बात तो सही है। एक आक्रामकता आई है और हाजिर जवाबी भी कह सकते हैं कि तत्काल रिएक्शंस भी आने लग गए हैं जयराम रमेश के नेतृत्व में। ये अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अब एक बात और है कि आपका नेटवर्क कैसा है, आपका सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि साहब वो राजवर्धन सिंह राठौर ने या भाजपा के किसी और नेता ने किया है, लेकिन व्हाट्सएप में आप अगर जा करके देखिए कितने लेवल पे कितने हजारों ग्रुप्स के जरिए ये शेयर किया गया है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने शेयर किया, उसको खोज करके लाने की और उसको अदालत तक घसीट के ले जाने की कुवत या सामर्थ्य कांग्रेस के पास है क्या? क्योंकि अभी तक दो तीन नामों के अलावे तो कहीं कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई करने वाली बात नहीं है। अब एक बहस जरूर छिड़ गई है, खासतौर से आज जो नोएडा में छत्तीसगढ़ की पुलिस आई थी गिरफ्तार करने के लिए, और पता लगा कि नोएडा की पुलिस ने पहले ही उसको किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया, उस रिपोर्टर को या एंकर को, जो भी टीवी के हैं, जी न्यूज या किसी न्यूज के हैं वो। तो इससे कई तरह की बहस चल रही है मीडिया में भी, कई लोगों का ये हो रहा है कि साहब माफी मांग ली है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको माफ करना चाहिए, अब इतना तूल देने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह वाकई एक मानवीय भूल थी क्या? मानवीय भूल तो तब होती जब उदयपुर के संदर्भ में राहुल गांधी कुछ बोल रहे होते और उसमें कुछ गलत पेश कर दिया गया होता, कुछ नाम या इधर का उधर दिया था। लेकिन वायनाड से उदयपुर का कोई संबंध है नहीं। पूरे भाषण को आप उठा करके देखिए तो इसमें साफ लगता है कि मानवीय भूल नहीं है, एक मकसद लगता है। आप याद करिए राहुल गांधी के उस भाषण को जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी को उद्धृत करते हुए कहते थे कि वे कहते हैं कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकले। क्या किया करामाती लोगों ने, वे कहते हैं हटा दिया और चला दिया पूरा। ये जैसे राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि आलू से सोना बनाओ, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। उसी के बाद राहुल गांधी को देश और दुनिया भर में पप्पू घोषित कर दिया गया। ऐसे एक नहीं तमाम उदाहरण हैं जब गलत तथ्यों पे एडिटिंग, वीडियो एडिट करके, फोटोशॉप करके, मार्फ करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। और इस मामले में तो सिर्फ छवि को धूमिल करने वाली बात नहीं थी, इस मामले में तो उनको हिंदू विरोधी घोषित करने का इरादा था कि साहब देखो ये उदयपुर के जो बर्बर हत्यारे हैं जिन्होंने इस तरह तलवारें लहरा करके और जो कटार चाकू जो है वो लहराते हुए कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री को भी मार डालेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया, तो उसको ये बच्चे बता करके उनके प्रति नरमी बरतने का बात कर रहे हैं। मैसेज तो यह था, अगर ये बात नहीं आ जाती सामने, खुलासा नहीं हो जाता तो पूरी देश और दुनिया में तो ही आता ना कि कन्हैया लाल के हत्यारों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी का समर्थन है। तो ये सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। रह गया सवाल कि क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस को आकर के यहाँ नोएडा में गिरफ्तारी करनी चाहिए थी कि नहीं। छत्तीसगढ़ की पुलिस, याद होगा आपको कि इसके पहले इंदिरापुरम से विनोद वर्मा को उठाकर ले गई थी और उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ पता भी नहीं था, बिना बताए रात के अंधेरे में उठा करके ले गई और कार में टहलाते हुए लेकर गई वहां रायपुर तक इंदिरापुरम से। इसी समय आप देखिए कुछ दिनों पहले गुजरात से असम की पुलिस जिग्नेश मेवाड़ी को गिरफ्तार करके ले गई। पंजाब का मामला भी था, हरियाणा वालों ने रोक लिया। मतलब इस तरह कहीं लग रहा ही नहीं कि भारत एक देश है जहां कानून का कोई राज है। अब उसी में आप देखिए ना, जिस ढंग से बातें हो रही हैं कि रोहित रंजन या क्या तो नाम है उस पत्रकार का, हम नहीं जानते हैं। देखिए एक पत्रकार के रूप में हमारी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन इसको अगर हम प्रेस फ्रीडम या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देखेंगे तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं, एक मर्यादाएं हैं और कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग हम किसी की छवि को धूमिल करने, किसी को गलत रूप में पेश करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अगर करेंगे उसके बाद माफी मांग के निकल जाएंगे फिर तो क्या मतलब है। अब दूसरी तरफ आप देखिए क्या हो रहा है साहब, जुबैर मोहम्मद जुबैर जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने 2018 में कोई ट्वीट किया था, उस ट्वीट में 1983 की एक फिल्म जो थी किसी से ना कहना उसका कोई स्टिल लगा दिया था साहब, फिल्म का स्टिल। वो चार साल तक ट्वीट किसी के ध्यान में नहीं आया, किसी ने उसको देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं है। लेकिन जब जुबैर ने नूपुर शर्मा का जो जहरीला बयान था, जो बेअदबी का बयान था, उसको ब्रेक किया, पूरी दुनिया को बताया, उस समय से जुबैर अहमद की तलाश शुरू हो गई। लेकिन उस मामले में इनको धरपकड़ हो नहीं सकती थी, तो पुलिस ने एक खोजा, एक नया ट्वीट खोजा। अचानक उसको चार साल बाद एक ट्वीट मिल गया जिसमें कहा गया कि साहब ये जो मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट 2018 का है उससे देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैले, उसको आधार बनाकर के दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। साहब उस पर धाराएं क्या लगाई? वही धाराएं लगाई जिन धाराओं में नूपुर शर्मा जी के खिलाफ मुकदमे हुए। नूपुर शर्मा की जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जुबैर अहमद जेल चले गए। अब जेल चले गए तो फिर उसके बाद फिर 10 तरह के और ये केस, मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या जो भी होता है ना, कि एक बार कोई अगर गिरफ्तार हो गया तो पुलिस वाले उस पर इतने मुकदमे लाद देंगे कि वो जिंदगी भर उसी में तबाह रहेगा। तो ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जुबैर के पक्ष में बोलने वाले लोग रोहित रंजन के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हम जुबैर के पक्ष में कौन होते हैं बोलने वाले, या रोहित रंजन के विरोध में कौन बोलने वाले होते हैं? इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी करवा लीजिए ना, जुबैर का मामला क्या था और रोहित रंजन का मामला क्या था। एक इरादतन जो है किसी की छवि को बदनाम, धूमिल नहीं बदनाम करने के इरादे से वो न्यूज एंकरिंग कर रहा है, न्यूज दिखा रहा है जिसका कोई रेफरेंस नहीं था, दूर दूर से वायनाड से लेकर के वो उदयपुर का कोई संबंध नहीं था, लेकिन उदयपुर का बता करके उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। तो एक मामला ये है। अब उस पर यह है कि कांग्रेस जो है जिस ढंग से आक्रामक हुई है, अगर यह आक्रामकता बरकरार रहेगी, तथ्यों के साथ खड़ी रहेगी और फिर ध्यान में यह भी रखेगी कि उसके मुंह से भी कहीं इधर उधर की बात में निकल जाए, क्योंकि सामने वाले ज्यादा इस मामले में मजबूत हैं, उनका सोशल मीडिया, उनका आईटी सेल, उनका सारा वो सब इसी काम में लगा रहता है दिन रात, तो उसका मुकाबला करना है तो थोड़ा उसी ढंग से आपकी तैयारी भी होनी पड़ेगी। जी राजीव जी, जी बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बातें इस वक्त चल रही हैं और उसमें भी मीडिया के इर्द गिर्द ये बताने की कोशिश की रोहित रंजन के साथ जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं दोस्तों, जो बाद में जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि रोहित रंजन जो हैं वो जी न्यूज के एंकर हैं और उन्होंने एक डॉक्टर्ड वीडियो को, राहुल गांधी के डॉक्टर्ड वीडियो को चलाया डीएनए अपने कार्यक्रम में, और उसके बाद उस कार्यक्रम के तहत बाद में जब कांग्रेस अग्रेसिवनेस के साथ आई सामने तो उस वीडियो को के ऊपर उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन इस बीच कई जगहों पर एफआईआर दर्ज है और उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ की पुलिस जब सुबह पहुंची, 6 बजे सुबह पहुंची उनके घर पर, तो ट्वीट करके बताया उन्होंने कि ऐसा पुलिस आई हुई है और मुझे गिरफ्तार करना चाहती है छत्तीसगढ़ की पुलिस। फिर उसके बाद इंदिरापुरम में चुकी रहते हैं वो, इंदिरापुरम की पुलिस आई और इंदिरापुरम की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बीच आमना सामना जो वाली जो स्थिति थी वो हुई, और इंदिरापुरम की पुलिस जो है वो उठा करके लेके गई कि नोएडा में चुकी इनके खिलाफ एक केस दर्ज है और उसी के तहत लेके जाते हैं। अभी शाम को जब इस कार्यक्रम को मैं जब करने आ रहा था उस समय तक छत्तीसगढ़ की पुलिस इस प्रयास में थी कि किसी तरह कस्टडी में लिया जाए, लेकिन जब इंदिरापुरम थाने में पहुंची छत्तीसगढ़ की पुलिस उस समय तो वहां नहीं थे साहब, रोहित रंजन जी को कहीं और ले जाया गया था।